The resource person of this session is Dr. Kanak Pandeji, and she is going to talk about psychologists' new approach, blended tools and techniques. Dr. Kanak Pandeji is an exponent psychologist with over 4 decades of experience in the domains of emotional health, cognitive training, brain mapping, and peak performance. She adopts the pragmatic approach of blending the understanding of human psychology with scientific tools to facilitate fundamental change through psychophysiological approach and associative competencies. In her practice, she applies integrated approach of healing, training, and interventions. Her major tools are a blend of psychotherapy, EMDR, hypnosis, neurofeedback, and biofeedback. In her career, spanning over 4 decades, Dr. Pandey has helped thousands of clients to lead an emotionally healthy and achieving lifestyle. She has successfully trained thousands of psychologists, management professionals, persons from educational institutions, and health professionals from hospitals. So from this note, I am welcoming Dr. Kanak Pandeji. And it's over to you, ma'am, please. We are waiting for your delivery. Thank you. So, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। ये मेरा अपना डिपार्टमेंट है, मैंने यहीं से पढ़ाई की है। 78 का बैच था हमारा, 79 में क्लियर हो पाया था। इसलिए नहीं कि मैं स्लो पढ़ रही थी, क्योंकि बहुत सारी स्ट्राइक हुई थी उस टाइम। तो मतलब वो जो चीज़ मेरी लाइफ में ऐसा है जिसकी मैं जो बहुत प्राउड है, उसमें से गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी है बिकॉज ऑफ आवर डिपार्टमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ गोरखपुर यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी टू से सर। लेकिन अपने डिपार्टमेंट के लिए इट लुक्स लाइक सचमुच का अपना ही घर है, और वहाँ से किसी भी चीज़ से कैसा भी एसोसिएशन हो, मतलब मायके की चिड़िया भी अपनी है, वही वाला मेरा एसोसिएशन है। मैं थोड़ा सा इमोशनल पर्सन हूँ भी, तो अभी जब जब थोड़ा भी कनेक्ट हुई मैं, डॉक्टर आराधना शुक्ला जी ने कनेक्ट किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं सभी उन लोगों को मिल पाऊंगी। और उसी टाइम के बाद से एक्चुअली जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे ये लगा कि हम लोगों की बहुत मदद कर पाएंगे। तो मेरा हमेशा सिर्फ प्रैक्टिकल 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 पे ही ध्यान जाता था, बहुत सारा कि थियरी रिसर्च यस पढ़ते हैं, उसको करते हैं, उसको जानने के लिए, लेकिन एक फास्ट फूड टाइप की पर्सन हूँ कि इसका हम उपयोग कहाँ करें, उसका उपयोग कहाँ करें। तो मास्टर करने के बाद में बाकी जो पढ़ाई तो अपनी एक साइड चलती रही, जो आपने जितना सब बोला वो सब सच है, लेकिन वो भी मैं ही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं दूसरी हूँ, जो जहाँ से जिस एरिया में घुस सकूँ वहाँ जाके कि अगर थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट हो पाए, लोगों की सफरिंग कम हो पाए, या लोगों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो पाए, या एक हैप्पीनेस क्वेश्चन हम अपना बढ़ा पाएँ, तो उस तरह के किसी भी काम को मैं ढूंढ ढूंढ के प्रोजेक्ट बना बना के उसमें जाती हूँ। ये मेरा एक क्रेजी बग है जिसने मुझे काट के रखा हुआ है, सो मैं हमेशा वही करती रहती हूँ। अभी कुछ सालों से, मतलब मे बी 8 साल 10 साल से कनाडा में हूँ, लेकिन इंडिया में मेरा एक सेटअप है, सो वेरी फ्रीक्वेंटली मैं दोनों जगहों पे काम करती रहती हूँ। और कनाडा में भी कुछ ऐसी डिजाइन बनी है कि बहुत सारे इंडियंस मेरे क्लाइंट हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एक कल्चरल सब्जेक्ट है, अगर हम उनका कल्चर नहीं समझते हैं तो हम इतना ज़्यादा उनसे रिलेट नहीं कर पाते। और जो इंडियंस एक दो जनरेशन पहले से गए हुए हैं, उनके बच्चों पे बहुत असर आता है, बिकॉज उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। तो एक लाइन मैंने वो वहाँ पे ली हुई है, जो कि बच्चों का इंडियन, मतलब एक्सपेक्टेशन माँ बाप की है कि इंडियन संस्कार हो, स्कूलिंग उनकी उन बच्चों के साथ में होती है, तो वो बिल्कुल समझ नहीं पाते, बल्कि खुद को भी कहते, वो खुद को कहते हैं कि हम ब्राउन पीपल हैं कि गोरे पीपल हैं, हम इंडियंस पाकिस्तानी, हम लोग वहाँ पे ब्राउन पीपल कहे जाते हैं, मतलब रेफर किया जाए, क्योंकि हम उन्हें गोरा बुलाते ही वैसे ही है। तो वो उस तरह के लोग जिनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकी कि हम एजुकेशन को बहुत वैल्यू दें जैसे इंडिया में देते हैं, या वर्क में तुरंत चले जाएं 18-17 होते होते, तो इस तरह के मेरा क्लाइंट बेस वहाँ पे है, और उनके लिए जो भी कर सकती हूँ मैं प्रोग्राम डिजाइन करती हूँ। तो मैं जो अभी बातें करूँगी, जो PPT शेयर करूँगी, उसमें साइकोलॉजी मैंने पूरी पढ़ी है, प्रॉपर एक ब्यूरो से अपना ब्यूरो का डिप्लोमा भी किया है, बाद में जहाँ भी कोर्सेज होते हैं यहाँ से लेके US तक, मैंने न्यूरो फीडबैक पे, बायो फीडबैक पे सारे सर्टिफिकेशन भी करके रखे हैं।
लेकिन टेक्निक मैंने ब्लेंडेड बनाई है, जिसमें जो भी चीज़ काम आती है उसकी मैंने अपनी एक रेसिपी तैयार की है। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये स्टूडेंट भी जाने कि एक लीनियर चलने वाला सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अब हम हर तरफ छाए हुए हैं, हमें अपनी खुद की वैल्यू नहीं पता है कि हम किसके लिए क्या कर सकते हैं। पीपल आर लुकिंग एट अस फॉर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, और हमें खुद नहीं पता है कि हम उनके लिए क्या करें। मतलब सारे किसी भी स्ट्रीम के लोग आके इस टाइम स्ट्रेस, पोस्ट कोविड स्ट्रेस पे बातें कर रहे हैं, और हमें नहीं पता है कि हम इसको क्या कल्चर बदलें, हम क्या सोसाइटी में प्रैक्टिसेस बदलें जिनसे हम इम्पैक्ट डाल पाएं डायरेक्ट। तो हम जब जाते हैं तो हम कुछ बुक लेके आते हैं जिनमें क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, जबकि हमने इतना सारा डील किया है लोगों के साथ में, वी हैव सीन पीपल, तो उनकी क्या हेल्प हो सकती है, और सचमुच वो किस तरह की चीज़ें हैं जो स्ट्रेस हैं या नहीं है, या कहाँ इम्पैक्ट डाल रही हैं, क्यों फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, हमारी वर्किंग हैबिट बदल जा रही है या हमारा कल्चर बदल जा रहा है या हमारी पूरी सोच ही बदल जा रही है, जिस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते थे, फैमिली को परसीव करते थे, मनी को परसीव करते थे, अचीवमेंट को परसीव करते थे, क्या कोविड उसे भी खा जा रहा है या छोड़ दे रहा है, हमें अभी नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ में क्रोड करके जा रहा है, कहीं भी क्रोडिंग हो रही होगी हमारे अंदर, हमें अभी नहीं पता। हमारा टास्क बहुत सारा मुझे लग रहा है कि वहाँ जाने की तरफ लग रहा हुआ है। काम में जो मैंने किया तो रेलवे वालों के साथ में किया, रेलवे के लोगों को जब फास्ट ट्रेन आ रही थी तो उनके लोगों को, मतलब पुराने ड्राइवर्स को नए में कन्वर्ट करना, जो कि 30-35 के ही एज में अब क्या करना, सब तो सेट हो गया कि माहौल में रहते हैं और उसी मेंटल माइंडसेट में काम करते थे, उन पे काम किया है। स्कूल के बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए ब्रेन कैफे करके एक प्रोजेक्ट है, वो काम करती हूँ, स्कूल से चलाती हूँ। क्लिनिकल प्रैक्टिस तो मेरी है ही, कॉरपोरेट में 87 से इन्वॉल्व हूँ, बहुत सारे टॉप ग्रेड के प्रोफेसर्स के साथ में मैंने उनकी ट्रेनिंग कराई है और वो मेरे क्लाइंट बेस में हैं बहुत दिनों से, लाइक मेंटरिंग की जैसा कंटिन्यूस 8-10 साल से मेरे साथ हैं, जिनके मतलब जिनमें इतना इतनी रिसोर्सेज हैं अपने में कि वो एक एक बार में 10,000 लोगों को भी इम्प्लॉय करके रखते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है मतलब दैट विल इम्पैक्ट 10,000 पीपल। तो उनके लोगों का जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस बनाना एंड इमोशनल एंड कॉग्निटिव बोथ बैलेंस, नॉट ओनली इमोशनल। अभी जो हम बात कर रहे हैं कोविड की, मैंने स्ट्रेस किया तो इसकी क्या, लेकिन कोविड से कहाँ कहाँ हमारी एबिलिटी कम हो रही है, तो इन सारी चीज़ों पर मैं काम करती रहती हूँ। मैं सारा इतना किसलिए बता रही हूँ कि मैं अपने ही को फेलोज के साथ बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़ें, जिस भी तरह से चाहें सपोर्ट करने के लिए, नॉट फंडिंग, सर्टनली नॉट फंडिंग। जुड़ने का मतलब है कि जहाँ आप उस आइडिया को इंडोर्स करें, जहाँ भी अपने लेवल में लोगों की हेल्प करने में हेल्प करना चाहें, किसी भी तरह से हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजी में नहीं है, जो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका साइकोलॉजी से कुछ भी लेना देना नहीं, वो हीलिंग में है। पीपल आर डूइंग थेटा हीलिंग, थेटा इज अ ब्रेन वेव, आपको कहीं किसी ह्यूमन टच से भी मतलब नहीं है, किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, और आप थेटा हीलिंग कर रहे हैं लोगों की, यू आर टेकिंग देम टू अ डिफरेंट स्टेट। तो जो वो अनप्रोफेशनलिज्म है बाहर, साइकोलॉजी के बाहर, उसे कहीं ना कहीं हमें अंदर लाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा कोर सब्जेक्ट है। सो ऐसे अप्रोचेज मैंने ब्लेंड करके, जो जहां से भी होता है सीख के कि वो क्या कर रहे हैं, करते हैं हमारी ही चीजों को है, बट उसका प्रेजेंटेशन बदल देते हैं क्योंकि उसको पेटेंट कराना होता है। तो मैक्सिमम इट टेक्स की ठीक है, आप उनका पेटेंट है तो आप उनसे लाइसेंस ले लें, लेकिन फिर प्रैक्टिस तो हम अपनी कर ही सकते हैं अपने ब्लेंड करके कि हम नॉट एज एज। तो मैं वही चीजें डिस्कस करूंगी, एंड रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज जितना क्वेश्चन पूछ सकते हो वो पूछें, ताकि मुझे ये भी समझ में आए कि मैं जो बता रही हूँ वो सिर्फ मेरा अपना ही अहंकार, मैं नहीं करे जा रही हूँ बकरे की तरह, कुछ पहुंचा भी पा रही हूँ। सो प्लीज ओपन रहें, मुझसे पूछें, और धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को ज्यादा जान जाएंगे तो बाकी और प्लेटफॉर्म पे मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी कि आपकी क्या नीड है। अभी मुझे नीड नहीं पता है, सो मैंने अभी अपने हिसाब से रेसिपी तैयार की है। So now I'll share the PPT and let's talk and discuss and ask question. आपको मुझे co-host बनाना पड़ेगा, because मैं share नहीं कर पा रही हूँ screen. वो बता रहा है host disabled participants screen sharing. हम लोग कर रहे हैं मैम, अभी हो जाएगा। मैं अभी करूं?
नहीं अभी नहीं, अभी हाँ जी, हाँ जी. अभी डिसेबल्ड है. बनाया तो नहीं, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग. आप देखें थोड़ा कुछ कहीं सेटिंग में. हाँ अभी मैं कर सकती हूँ. थैंक यू. सो ये तो जस्ट वेलकम स्लाइड है. एंड वी ऑल नो रियली इट्स अ रियलिटी दैट वी आर रियली गिफ्टेड बाय ब्रेन एंड अवेयरनेस, फैकल्टी ऑफ अवेयरनेस. एंड वॉट एवर हाइट वी वॉन्ट वी कैन रीच. हम अपने आप को जहाँ ले जाना चाहें ले जाएं. और मैं इसकी बड़ी फर्म बिलीवर हूँ और सीखने का और सिखाने का मौका जल्दी नहीं छोड़ती हूँ. अप्रोचेज क्या क्या हैं, हमारे चैलेंजेस क्या हैं. ये चैलेंजेस मुझे कहाँ से लगे. आई स्टार्ट इन माई प्रैक्टिस इन 84 और ब्यूरो से कोर्स करके निकली थी, वहीं मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया. जब क्लिनिक की बात की तो ब्यूरो में मेरे खुद के जो गाइड थे उन्होंने कहा कि तुम एक्चुअली, वो मुझे प्लस 3 सिग्मा बुलाते थे कि तुम लोग किसी की बात नहीं समझते हो, अपनी धुन में रहते हो. तो उन्होंने कहा ऐसा कोई क्लिनिक नहीं खोला जाता है ये साइकोलॉजी करके, तो इसका कुछ मतलब नहीं, तुम्हारे पास कौन आएगा. मैंने कहा कौन आएगा, ये तो उनका सर दर्द है, मैं क्लिनिक खोलूंगी ये मेरा सर दर्द है. सो आई स्टार्टेड विद द नॉर्मल जो हमें टॉक थेरेपी आती है, थोड़ा सा CBT आती है, थोड़े से साइको हेलो, पूरा कट गया, खत्म हो गया था. हेलो, हाँ मैम, आप सुनाई, हाँ आप सुनाई दे रहा है मैम. अच्छा, पूरा प्रोग्राम ही कट गया था, पता नहीं मतलब वो हो गया एकदम. यू कैन सी माय स्क्रीन. हाँ ठीक है. Yes, ma'am. जब ओनली साइकोथेरेपी एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग से हर तरह के जो प्रॉब्लम आती थी मेरे पास, उनका सलूशन मेरे पास में नहीं था. सिर्फ करियर गाइडेंस कर देना, लेकिन अगर आप एज अ साइकोलॉजिस्ट एक जगह बैठे हैं देन यू कैन फिल्टर योर क्लाइंट कि नहीं हमारे पास ये ना आए और ये ना आए, एटलीस्ट इन इंडिया. और उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं. तो 84 से मैंने थोड़े दिन प्रैक्टिस किया, फिर माई हस्बैंड वॉज इन ट्रांसफरेबल जॉब तो हम वहाँ से चले गए और एक दो साल मैंने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया. देन 87 में फिर से एक नया क्लिनिक खोला इन महाराष्ट्र, घूमते रह रहे थे तो. और एक छोटी बच्ची आती थी मेरे पास में, उसकी ज़्यादा हेल्प हो गई.
सीईओ थे एक कंपनी के, ही केम एंड रिक्वेस्टेड कि मैम अगर आप इतना अच्छा काम करती हैं तो आप हमें लोगों को सेलेक्ट करने में हेल्प क्यों नहीं करती। हेलो वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। ओ हेलो इज इट ओके? यस मैम यस मैम। इंटरनेट का कुछ ना कुछ इशू हो रहा है, नॉट शोइंग पुअर हियर बट पता नहीं, लेट मी कीप ऑन ट्राइंग, नहीं होगा तो फिर। हाँ तो फिर मैंने जब कॉर्पोरेट के साथ काम करना शुरू किया, पहला कॉर्पोरेट में कॉलगेट पामोलिव था, सो वहाँ से सिलेक्शन में टूल में गए, और तभी मैंने बायोफीडबैक के बारे में तो हम अपनी बुक में पढ़ते हैं छोटा सा, तो बायोफीडबैक की मशीन लिया एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। लेकिन उस टाइम मशीन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो उसको फिर छोड़ दिया एक हफ्ते भर के अंदर, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही सही नहीं आती थी, आज कम आएगी कल ज़्यादा आएगी, यू कॉन्ट प्रेडिक्ट, यू कॉन्ट ट्रेन पीपल, तो वो छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे पूरे रिसर्च करते करते कि हाँ ये भी चाहिए करके, अगेन सारे इंस्ट्रूमेंट एंड जो सारे ब्लेंडेड टेक्निक हैं वो मैंने 2000 के आसपास आई वॉज रेडी टू लॉन्च एवरीथिंग आई लर्न। तो अभी उन्हीं की बात करूंगी कि हमें ये टूल्स क्यों चाहिए, क्योंकि सिर्फ काउंसलिंग से हम उतना रीच नहीं बढ़ा पाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर साइकोलॉजी में हम ट्रामा से डील करते हैं, पोस्ट पास्ट ट्रामा और उसी से रिलेटेड एंग्जाइटी, सो ट्रामा फियर इनसिक्योरिटीज एंड इनएडिक्वेसीज, ये चार हम देखेंगे। तो किसी भी तरह से वो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं है और घर करके ऐसी बैठी होती है कि वो फिर वो चलती रहती है और जिसकी वजह से हम दुनिया भर की चीजों में फंस जाते हैं। अब वो पास्ट का ट्रामा है हमारा, लाइक एक किसी का पुराने टाइम पे अपने फादर से अच्छा नहीं एडजस्टमेंट था, कोई भी ट्रामा था या किसी भी तरह का एक फियर बैठा हुआ था। अभी धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो फादर के साथ वो रिलेशन सही हो गया, लेकिन डर और फिजिकल जो है वो अभी भी बैठा रह गया। अब उसको बॉडी में से निकालने के लिए अगर हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं या सिर्फ समझाते जाते हैं या बताते जाते हैं या डिसेंसिटाइज भी करते जाते हैं, हार्डली गिव्स एनी इफेक्टिव रिजल्ट, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इतना एक इनकैपेसिटी सी लगती थी कि हम ट्राई तो कर रहे हैं और इनको कुछ पहुंच भी नहीं पा रहा, लेकिन अगर हमें बॉडी से डील करना है तो बॉडी से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना चाहिए, बिकॉज कुछ भी कहें हम स्ट्रेस को डील करना है तो इट्स नॉट थॉट, स्ट्रेस की चीज़ आते ही हमारा पल्पिटेशन बढ़ जाता है, पल्पिटेशन इज नॉट माई थॉट। अगर हमें वोमिटिंग आने लग रही है, नौशिया हो रही है, इट इज नॉट माई थॉट, होल नाइट आई कांट स्लीप, इट्स नॉट माई थॉट, इट कांट बी साइकोलॉजिकल, इज सो फिजिकल। एंड अगर हम इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं और सिर्फ वर्बल थेरेपी ही कर पाएंगे, तो पहली बात तो हम बच्चों से एक्सेस नहीं कर सकते, दूसरी चीज हम कम जो थोड़े से भी अनएजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं उनसे बात नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, उन तक अपनी थॉट नहीं पहुंचा सकते, जिनका अवेयरनेस लेवल थोड़ा कम है उन पर काम नहीं कर सकते, और जो आर्गुमेंटेटिव हैं उनके साथ काम नहीं कर सकते। तो हमारे पास बहुत थोड़ा, जो रेगुलर सेशन को नहीं आ सकते लाइक 100, 150, 200, उनके साथ हम सक्सेसफुल काम नहीं कर सकते। लेकिन जब ये ब्लेंड किया मैंने सारी चीज़ें, तब मेरे लिए इजी हो गई, मैं कई सारे स्टेशन भी बना सकती हूँ अपने यहाँ, कई सारे लोगों के साथ एक बार में काम कर सकती हूँ, और मैं खुद थक के कि दिन भर मैंने इतनी बात की कि थक के अब मुझसे काम नहीं हो रहा, वो सिचुएशन से भी निकल सकती हूँ, तो मैंने अपने आप को लिवरेज भी करने लिया। तो अब हम आज इसी पे बात करेंगे, टाइम का मैं ध्यान रखूंगी, टाइम में ही पूरा हो जाएगा, और फिर आप इस पे जितना जानकारी लेना चाहे जानकारी ले लीजिएगा, एंड में मैं नंबर दे दूंगी, बाद में भी कभी भी आप कॉन्टेक्ट कर करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो यही कि हम सब लोग जाने, वो तो बाद में करेंगे अभी। हाँ सो एक जो मेन अपना एरिया है दैट इज साइकोथेरेपी, जो हम यूज करते हैं जिससे कि लोगों के इनसाइड पहुंच के उनके
थॉट पे, उनकी साइकी पे, उनके इनसाइट के स्ट्रक्चर पे, लाइक व्हाट दे आर प्रोग्रामिंग देमसेल्व्स एवरी डे, रोज के रोज, जब उनके पास कोई भी नहीं पहुंचता है फिर भी वो खुद से सेल्फ टॉक करके कुछ ना कुछ खुद को सजेस्ट कर चुके होते हैं कि या तो वो घबराए हुए हैं, या तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, या बहुत एंग्री हैं, या बहुत हेल्पलेस हैं, और ये सिर्फ खुद अपने आप से ही बात करके, अपने को सजेस्ट करके, यस बहुत सारी चीज़ों से लेके आते हैं मटीरियल, बट नॉर्मली वी डू, जिससे कि हमारा मूड दिन भर में या हफ्ते में या रोज के रोज अलग अलग ढंग से बदलता रहता है, एंड वी आर नेवर द सेम पर्सन whom we were dealing with. तो इस चीज को पहुंचने के लिए साइकोथेरेपी एक बहुत अच्छा मेथड है, जिससे आप थॉट पे काम करते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट पे काम करते हैं, सोशल स्किल पे काम करते हैं, एंड रिलेशनशिप इम्प्रूव करने पे काम करते हैं. इसमें हमें किसी टेक्नोलॉजी की या एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है. साइकोथेरेपी में बहुत सारे टूल आते रहते हैं अभी भी नए, लेकिन वो उसी का पार्ट है, उसी के थोड़ा सा वेरिएशन है अल्टीमेटली इस टॉक थेरेपी ओनली, जहां आपको बताना है, करना है. सो दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल सेट, वेयर यू हैव टू रियली बी वेरी गुड कम्युनिकेटर, रियली टच, रीचिंग टू पीपल, एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम बिलीफ सिस्टम, आप अपना बिलीफ सिस्टम दूसरों पर नहीं डाल सकते, फ्री फ्रॉम ऑल द ट्रामा इम्पैक्ट ऑन योर ओन सेल्फ, नहीं तो आप अपना ट्रामा लेके रिलेट करेंगे एंड उनको ठीक करने के बजाय आप भी बीमार हो सकते हैं. सो बहुत सारे इसकी अपने ये हैं, इसकी लिमिटेशंस ये है कि इट्स अ गुड टूल, इट टेक्स लॉन्गर, आपको नहीं पता कि आप पहले दिन में क्लाइंट को एक्सेस कर पाएंगे, आपकी एक्सेस पहले दिन में बन जाएगी, या 8-10 दिन भी लग जाएगा, या 2-4 दिन भी लग जाएगा, डीपर बनेगा या बहुत ही सैलो बनेगा, एवरी डे ही इज टेस्टिंग यू कि आप कुछ कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. You may be competing with their own relatives, जो उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं, और आप भी बताते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं. सो कई बार इट लुक्स कि आप नया क्या कर रहे हैं, ये तो मेरे घर वालों ने भी बताया या मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया. तो ये उसकी थोड़ी सी एक लिमिटेशन है. स्टार्ट करने को ही कई बार 6-8 weeks का टाइम इसमें सिर्फ स्टार्ट करने में लग जाता है, जहाँ पे आप उस पर पहुँच सकें. कोई भी चीज रिलेटेड विद बॉडी एंड ब्रेन, वहां पे साइकोथेरेपी से ज्यादा काम नहीं आता. लाइक यू कांट डू एनीथिंग विद एडीडी, एडीएसडी, तो लर्निंग के एरियाज हो गए. डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज पर्सन इज नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट अवेयरनेस इज वेरी लेस. साइकोथेरेपी इज वेरी कल्चरल, लैंग्वेज ड्रिवन एंड पर्सनल. आप अगर उस कल्चर को नहीं जानते हैं तो आप उस पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट को नहीं समझेंगे और आप उसे हेल्प भी नहीं कर पाएंगे. एंड आप इसमें जितना क्लाइंट इन्वॉल्व होता है उससे कहीं ज्यादा आप इन्वेस्टेड होते हैं. तो 1 घंटे में अगर क्लाइंट बैठा है तो पूरा 1 घंटा आप भी बैठेंगे, पूरी चीजों को समझेंगे, बात करेंगे. सो इट इज लाइक यू कांट हैंडल मल्टीपल क्लाइंट, देयर इज अ बिग लिमिट, 1 दिन में कितने लोगों को कर पाए, और आप कल कहाँ तक पहुंचा था, हेल्प कहाँ तक पहुंची थी, उसे ना तो आप मेजर कर सकते हैं ना कंपेयर कर सकते हैं. तो वो पर्सन के अपने फीडबैक पे है, और अगर वो बहुत राइट फ्रेम ऑफ माइंड में है तो वो फीडबैक सही दे सकता है, अदरवाइज इट बिकम्स एट टाइम्स वेरी थैंकलेस वे ऑफ ट्रीटमेंट, वेरी थैंकलेस. पीपल डोंट इवन एक्नॉलेज कि जहाँ थे वहाँ तो वो सिम्टम भूल जाते हैं, जहाँ पहुँच गए ये बहुत बड़ा लगता है, तो ये वाला अभी जब ठीक ही नहीं हुआ तो हमें प्रॉब्लम, तो ठीक नहीं हुई तो फिर आप क्या कर रहे हो अभी, मतलब जा तो रोज रहे हो लेकिन हम ठीक कहाँ हो रहे हैं, स्ट्रेस का मेजरमेंट तो लिया नहीं है, बाकी चीजों का मेजर किया नहीं है. तो ये हम साइकोलॉजिस्ट की, हम लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है ये. इसलिए मैंने ये किया जो अभी मैंने पहले ही बात कर ली कि मैंने किया क्या, ब्लेंडेड टेक्निक के प्रोग्राम बनाए और ये किया. अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो सारी हमने बहुत सारी चीजों को ब्लेंड किया. एक तो टाइम इफेक्टिव है कि भाई जिस तरह के क्लाइंट हों आप उस तरह के मेथड उसमें लगा सकते हैं. तो ये हमारे लिए एक यूजफुल चीज़ है कि भाई बच्चा है तो बच्चों के साथ कौन सा प्रोग्राम लगाएंगे, फैमिली प्रॉब्लम है तो किस तरह का लगाएंगे, स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन है तो कौन सा तरह की लगाएंगे, और लैंग्वेज और कल्चर बैरियर इसमें बहुत कम आता है, इसीलिए आप अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी कभी भी काम कर सकते हैं इसके साथ में. इट्स नॉट कि आप जिस जगह पे हैं
एज ए साइकोलॉजिस्ट तो हमें वहां पे स्टेट वाइज लाइसेंस लेना पड़ता है, दूसरे स्टेट में भी आप नहीं कर सकते इसी वजह से, क्योंकि आप वहां की चीजों को जानते नहीं। और बहुत सारा एरियाज ऑफ वर्क मैं आपको एंड में एक लिस्ट शेयर करूंगी जहां पे हम एक्चुअली 160 मेडिकल कंडीशन पे जहां पे ये चीजें बायोफीडबैक, न्यूरोफीडबैक, ब्रेन ट्रेनिंग, उसमें से बहुत सारे में एफिकेसी के रिसर्च हुए जिन पे आप स्टैंड अलोन काम कर सकते हैं, लाइक रियली वर्क ओनली विद दीज थिंग, डोंट गो फॉर मेडिकेशन एंड यू कैन हेल्प देम, दे कैन बी लाइक हेल्प और ट्रीटेड। ट्रीटमेंट हमें अलाउड नहीं है बोलना जैसा को साइकोलॉजिस्ट, इसलिए मैं ट्रीटमेंट नहीं बोल रही हूँ, ट्रेनिंग कहते हैं हम इसे। लेकिन और बहुत सारे चीज़ों को आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं, एक बार में 2-3 क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं, इससे आपका वॉल्यूम बढ़ता है, यू कैन रियली रन लाइक अ बिजनेस। आप जहाँ पे खाली एक अपने आप के बल पे जैसे ट्यूटर ही काम नहीं कर रहे हैं, और नई एरिया लाइक लर्निंग, रिहैब, स्पोर्ट्स एंड कॉरपोरेट, प्लस और बहुत सारी एरियाज अभी आती जा रही हैं, एंटी एजिंग पे है, वेलबींग पे है, इन जनरल वेलबींग के हैं, सो जहाँ पे आप इन पे काम कर सकते हैं। सो मैंने क्या क्या टेक्निक, आपने इन लोगों इन चीजों के बारे में सुना भी होगा, तो एक टेक्निक मैंने जो ब्लेंड की है अपनी प्रैक्टिस में वो है EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। दिस इज अ वेरी क्विक मेथड to bring someone out of trauma, post-traumatic situation जो आती है, जैसे अभी कहीं earthquake आ गया और एक बार में बहुत सारे लोग एकदम अपना सब कुछ गंवा बैठे, अब उस person को आप क्या counseling देंगे कि जो अभी उसके पास 100% था वो जीरो पे है या कई बार माइनस में है, खुद भी हर्ट है, इंजर्ड है, उसको आप क्या पॉजिटिविटी दिखाएंगे कि वो बेचारा खड़ा होकर लाइफ को फिर से ये भी ट्राई करे कि मुझे जिंदा भी रहना है। इस तरह के जो बहुत सीवियर ट्रामेटिक सिचुएशन आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी लाइक सोशल केसेस हो सकते हैं, रेप का केस है, या बहुत सारे चीज़ें हैं, मैन मेड है या नेचुरल हैं, इनमें से जो सडन जो ट्रामा आया उस पे काम करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजी में टूल बहुत कम थे पहले। ये भी डिजाइन किया हुआ है साइकोलॉजिस्ट का ही, लेकिन ये है जो हमारे कोर्स के बाहर से आता है। These are all developed and evolved by psychologists only, but वो mainstream में नहीं है। I don't know why, but एक हमारे लिए ये weakness है। तो मैं इसको practice करती हूँ। NLP, neuro-linguistic programming, जो again devised by a psychologist only, और बहुत ही ज़्यादा corporate में लोगों ने इसे non-psychologist ने इसे बहुत ही स्ट्रांगली प्रैक्टिस किया है, इसी का कोर्स किया, इसी को सीखा, और बहुत सारा मैनेजमेंट ओनली मेनली ऑन फियर रिस्पॉन्सेज, बिना बताए कि फियर पे काम कर रहे हैं, और प्री वायर्ड कंडीशनिंग है हमारी उन पे काम करके बहुत सारे लोगों ने एक पैरेलल लाइन चलाई है जो कि बहुत ही स्ट्रांगली चली है, पॉपुलर भी हुई है, लेकिन उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट नहीं गए हैं। तो दिस इज यूज टू एनहांस परफॉर्मेंस, टू हेल्प एन इंडिविजुअल कंट्रोल देयर इमोशनल स्टेट, स्टे फोकस्ड एंड व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। इट इनकॉर्पोरेट स्पेसिफिक न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजीज, उसके अलग से प्रोग्राम है, एंड टेक्निक्स डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक आउटकम, के आप ये चीज, मतलब आप कोई चीज को डिसाइड तो करते हैं करने के, लेकिन आप में वो बहुत दिन का जो एक स्टेमिना है या आपका बहुत दिन तक का एक परसिस्टेंस है वो नहीं रहती है। सो दिस कैन बी ट्रेन, डिटर्मिनेशन लाइक थिंग, विजुलाइजेशन, कि आप बहुत ज़्यादा विजुलाइज नहीं करते, फ्यूचर देखते ही नहीं है, बस जो है प्रेजेंट बड़ा खुश है, लेकिन आगे क्या होगा वो नहीं डिजाइन कर पाते, बाद में पछताते कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, तो इसके लिए वो बड़ा हेल्पफुल है। एंड इसमें जो हेल्प होती है एरियाज वो है वर्क ओरिएंटेड गोल्स, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी और जॉब प्रोग्रेशन, एंड डिसऑर्डर्स लाइक फोबिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जनरल, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, बट ये उतना बेटर पोस्ट ट्रॉमेटिक में उतना बेटर नहीं है जितना EMDR है। बच्चों पे भी काम आता है, एंड एज लिमिट इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है,
but certainly this is language oriented. You need to talk to people and they need to talk to you, not like other methods. So isme practice karni hoti hai. Hypnotherapy, hypnosis ek part hai psychology ka, but hum psychology mein hypnosis nahi seekh ke bahar aate hain, to hamare paas wo tool nahi hota. Hum jante hain ki hypnotherapy kya hoti hai, lekin ye itna sub, like a complementary tool hai for practice or for helping people, not to amuse people that you can hypnotize and you can do, but initial jo aapka reach hai client se, initial reach, और जो कुछ बहुत सारे टाइड नॉट्स हैं इनसाइड जो उसे खुद को नहीं पहुंचने दे रहे हैं कि वो ऐसा होता तो है लेकिन क्यों होता ये नहीं मालूम, तो उसको आप एनालिसिस करके, फ्रेड से एनालिसिस कर करके चीजों तक पहुंचे, या आप उसे डायरेक्ट कनेक्ट करें वन और टू सिटिंग एंड फिर आप यहाँ तो आ गए जहाँ पे आप उसके रीच करके नाउ वट एवर मेथड यू वॉन्ट टू टेक इवन साइकोथेरेपी बिकम्स वेरी ईजी. सो जो इंटरनल ब्लॉकेज हैं लोगों के जहाँ पे उन्हें अवेयरनेस भी नहीं है क्योंकि उस पर ज़्यादा बात भी नहीं हुई है, बहुत सारा उन्हें पता भी नहीं है, दे डोंट नो एक्चुअली, सो वहाँ पे ये बड़े ईजिली काम आता है एंड इट्स वेरी हेल्पफुल. ऑलमोस्ट 2 to 3 सेशन आई गिव टू ऑल माई क्लाइंट, कौन से चीज के लिए नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज इट रियली ओपन्स गेट लाइक एनीथिंग वेरी फास्ट ट्रैक. जहाँ पे हमारी रीच बहुत टफ है लाइक स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, कंटिन्यूस पेन रहता है बॉडी में, क्रॉनिक पेन है, अब ये सारी चीजें एज ए साइकोलॉजिस्ट हम पूरा इक्विप्ड हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, नॉट नेसेसरी अ डॉक्टर्स विजिट. एंड ये जो बहुत सारे मेडिकल कंडीशन है लाइक IBS, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, कंटिन्यूस स्किन में कुछ कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो और उसके बहुत रूट कॉजेज को बहुत इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं और फास्ट ट्रैक में निकाल के ला सकते हैं जहाँ पे एक्चुअली हम अपना काम कर सकें, जो हमें हेल्प पहुँचानी हम वो पहुँचा पाए. नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें साइकोथेरेपी साइकोलॉजिस्ट के प्रैक्टिस में हमें डायग्नोसिस में लग जाती है, पिन पॉइंटेड डायग्नोसिस की हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है. ओके नाउ मैंने कॉर्पोरेट के साथ काम करना बहुत पहले शुरू कर दिया था, तो उनका जो मेथड है नॉर्मल कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग का, उस वो एक अलग मेथड है, बट दे आर वर्किंग ऑन ह्यूमन ओनली, दे आर मोटिवेटिंग टू, दे आर यूजिंग मोटिवेशन एज टूल, एंड उनके एनालिसिस, उनको क्लियर गोल सेटिंग, ऑल दीज थिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इज वेरी गुड, प्लस मेकिंग ट्रेनिंग एज मेजरेबल थिंग, कि आप ट्रेनिंग कितनी हो गई, फीडबैक ओरिएंटेड की भी कितनी हो गई, कहाँ थे. तो मैंने एक इस मेथड को भी, आई एम अ ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ मैं, वहाँ पे कोर्सेज प्रैक्टिस करती हूँ मैं, तो वहाँ के जो सब्जेक्ट हैं रिलेटेड बाई, वन इज एम्प्लॉयज मोटिवेशन, वन इज मोटिवेशन, सेकेंड वन इज एम्प्लॉयज मोटिवेशन, थर्ड वन इज कॉम्पिटेंसी. अगर कोई पर्सन को अपना काम ही नहीं आता तो वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको ये थोड़ी कहेगा कि मुझे नहीं आता, तो उसकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं कमी आएगी और वो किसी भी मेंटल प्रॉब्लम को लीड करेगी, लेकिन और हम उसे साइकोलॉजिकल नहीं समझेंगे. सो ये टेक्निक मैंने अपने प्रैक्टिस में पूरी अडॉप्ट की है, ब्लेंड की है. एंड एक चीज होती है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, विन विन एग्रीमेंट. सो साइकोलॉजिस्ट में क्या होता था, एज अ प्रैक्टिस, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपके पास आई हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ठीक करना, लेकिन क्लाइंट का रोल अपनी हेल्थ में तो 90% है. एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं तो सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, तो वो ओनरशिप लेना वो एक विन विन एग्रीमेंट का पार्ट है, जहाँ पे वो भी अपने हेल्थ की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जहाँ पे मैंने तो उसे बता दिया कि भाई अब आप ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं करता है, लाइक अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, अगर क्लाइंट प्रैक्टिस नहीं करता है तो आप तो किसी को भी कुछ भी वेट का प्रोग्राम नहीं दे सकते. सिमिलरली इन साइकोलॉजी ऑल्सो, तो मैंने उसे बड़ा कॉर्पोरेटाइज किया प्रैक्टिस को, कि वो उस तरह से एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल सब्जेक्ट बन जाए. फिर ये एक ब्लेंडेड टेक्निक में मैंने डाला, जो AV इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दे वर्क ऑन ब्रेन फ्रीक्वेंसी, प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं, और बहुत इजीली आधे घंटे के सेशन में यू रियली कैन वास्ट
gain a vast difference. You can see that, and it is very effective. Again, a very good supportive tool to me. I use it. And sleep mein, sports mein, mood change karne mein, mind ki sharpness and focus attention badhane mein, this is very, very good. Usi ka ek extension hai jo cranio-electrostimulation hai. Again, peak mental performance gain karne mein, sleep and energy level ke modification pe, like change energy to more higher energy level. This really works very well. अब जो मेन प्रैक्टिस आती है दैट्स बायोफीडबैक वेयर वी ट्रेन बॉडी पैरामीटर्स लाइक स्किन टेम्परेचर स्किन कंडक्टेंस ब्लड वॉल्यूम हार्ट रेट रेस्पिरेशन मस्कुलर टेंशन एंड सो मेनी अदर थिंग्स. सो बायोफीडबैक में एक गजेट बेस्ड प्रोग्राम है. यू नीड टू हैव इंस्ट्रूमेंट दैट इज बायोफीडबैक इंस्ट्रूमेंट मल्टी पैरामीटर सो यू कैन वर्क ऑन एनी पैरामीटर नॉट अ सिंगल वन बिकॉज mainly with biofeedback we work on psychosomatics. Psychosomatic pe kaam karne ke liye we really don't know ki stress ne hamare body ke kis parameter pe impact dala hai. To jab hum sare ko measure karte hain to hum usko dhoond pate hain ki jahan pe zyada asar aaya hai, like a temperature pe zyada asar aata hai to blood flow pe zyada asar aata hai ya heart pe asar aaya, aur jahan se wo asar hame milta hai wahan se fir hum unki training shuru kar dete hain. पहले हमें लगता था कि हम लाइक हार्ट रेट रेस्पिरेशन ये सब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. दे आर वेरी इनवॉल्ट्री रिस्पॉन्सेज बट विद दिस टेक्निक यू विल बी वेरी अमेज्ड दैट ये वेरी दिस आर वेरी ट्रेनेबल थिंग एंड हम इमीडिएट रिजल्ट इनका पाना शुरू कर देते हैं एंड इट हार्डली रिक्वायर्स एनी टॉक थेरेपी. Then neurofeedback, biofeedback is for related with the body. Certainly that we also train brain only there. But वहाँ पे हम sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system like autonomous system को use करते हैं, train करते हैं brain के autonomous brain को train करते हैं, limbic system पे काम करते हैं और ये central nervous system पे काम करते हैं neurofeedback में. So very oriented for like based on operant conditioning. When you get the reward. You are happy, you repeat the behavior and brain gets trained on that. So isme aap learning oriented, focus, cognitive performance, rehabilitation after any accident, injury, and these are very non-invasive, very no drug, no side effect, and very, very easy to operate. Like 2 saal, 2.5 saal, 3 saal ke bachon se hum bade easily kar sakte hain. Maine practice mein apne 2.5 साल तक के बच्चों को ऑलमोस्ट नॉन वर्बल पे काम करके सक्सेसफुल रिजल्ट पाया है. 1-2 सेशन लग जाते हैं जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते बट 1-3 सेशन के बाद में हम बड़े आराम से उनको ट्रेन कर सकते हैं जहाँ पे दे आर सीकिंग फॉर दिस. उनके अपने पर्सनल वीडियोज यूज होते हैं. कभी और आगे बात होगी तो मैं इन चीज़ों को आपको करके दिखा सकती हूँ सामने कि आप देखें कैसे होता है. एंड नॉर्मली आई डू ट्रेनिंग ऑन दिस to professional if they want to adopt and they want to practice. Center setup karne mein help karti hu taki jitne tak zyada logon tak ye cheeze pahunche aur help ho jaye. So before neurofeedback training hum kya karte the ki behavior ko train karte the usi cheez ke behavior ko train karte the. Study mein man nahi lagta to hum bahut der tak padhane ki koshish karenge ya study ke habit ko change karne ki koshish karenge. तो पहले हम बिहेवियर को चेंज करते थे. अभी हम उसको उस बिहेवियर के सोर्स को ब्रेन में देख के हम वहां से सोर्स पे ट्रेनिंग कर पाते हैं. सो जिसकी वजह से ये एफिशिएंसी बढ़ाने में इजी है और इफेक्टिव ज्यादा है, मेजरेबल है और सस्टेनेबल है. ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है. जहां आप पहुंच चुके उसके बाद वापस वहीं आके नहीं रुक जाएगा जो भी पैटर्न चेंज हुआ होगा लाइक ब्रेन इंजरी में या स्ट्रोक है जहाँ पे आपने रिहैब करना है. तो वहाँ पे बिहेवियर से कि बहुत ज़्यादा पैर के चलने की प्रैक्टिस कराएं या हाथ उठाने की प्रैक्टिस कराएं या स्पोर्ट्स में हैं तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस कराएं जिससे ब्रेन ट्रेन हो. दैट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोग्राम, बहुत टाइम जाता है. लेकिन इससे ये बड़ा फास्ट है, ईजी है, वेरी साइंटिफिक एंड वेरी अचीवेबल एंड इट गिव्स लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू बोथ
द पर्सन हु इज गेटिंग इट एंड द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग इट. और हम एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें जो प्रोफेशनल हैजार्ड है वो बहुत कम आता है, मतलब हम नहीं इतना थकते, हम इतना ज़्यादा टायर्ड नहीं होते, हम इतना ज़्यादा सिंपथी रख के परेशान नहीं होते कि ये क्या हो गया है. इसके बाद बायोफीडबैक हो गया, न्यूरोफीडबैक हो गया. अब एक आया कॉग्निटिव ट्रेनिंग का. सो टॉक कॉग्निटिव ट्रेनिंग में, क्योंकि बहुत सारी एरिया हमारी कॉग्निशन से रिलेटेड आती है, फॉगी ब्रेन है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या काम में मन नहीं लगता या मेमोरीज काम नहीं कर रही है, मल्टीटास्किंग नहीं होती, लाइक एकदम सिंगल फोकस एक काम कर पाते हैं, दो चीज हुआ तो डाइवर्ट हो गया. तो ये न्यूरोकॉग्निटिव का असेसमेंट टूल मैं यूज करती हूँ, जो ट्रेन भी कर सकती हूँ. सो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है हमारे, प्रायोरिटाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, डिटर्मिनेशन, ये सारा जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसकी ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग के पहले असेसमेंट के लिए कई सारे टूल मैं यूज करती हूँ, कैंटैब है, और इन चीज़ों की ट्रेनिंग भी करवाती हूँ, जो कि हमें एज ए स्टूडेंट, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग इस पर सर्च करें, जो भी स्टूडेंट हैं गूगल करें, सर्च करें, खुद को इक्विप्ड करें जानने में एटलीस्ट कि व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, और जो कि एक्चुअली हमारे डोमेन में है. जयपुर में एक यूनिवर्सिटी में, जयपुर यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज है, जहाँ पे उन्होंने एक ब्लेंडेड प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कंप्यूटर साइंस, न्यूरोकॉग्निटिव, साइकोलॉजी सबका मिला के एक प्रोग्राम है, जो वो करके निकल के फिर डिजाइन करने में, रिसर्च करने में, इक्विपमेंट बनाने में और ट्रेनिंग करने में और बहुत सारे काम इस पर वो स्टूडेंट पर्टिकुलरली वही पढ़ते हैं. एंड आई रियली लाइक इट, वहाँ पर मैंने जाके कुछ प्रोग्राम किया था. तो ये सारी एरिया में जहाँ पे हमें कॉग्निटिव को हमने पढ़ तो लिया एक चैप्टर, कॉग्निशन क्या होता है, लेकिन एक्चुअली वो कैसे काम कर रहा है, कहाँ हेल्प कर रहा है, कैसे उसे ट्रेन करें, कैसे उसे असेस करें, अभी सिर्फ आईक्यू के ऊपर निकल के दूसरी बातें हैं ये. नॉट ओनली कि आपकी बेसिक फंक्शनल आईक्यू कितनी है, उसके अलावा ये बहुत सारी हैं. अगर आप खुद भी देखें तो जो आईक्यू आपकी, आप जब 16 साल के रहे होंगे तब भी रही होगी और आज भी है, लेकिन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस से जो एक्चुअली फंक्शनल आपके पास कॉग्निटिव एबिलिटी है वो उस टाइम नहीं थी, तो उसने कुछ तो कहीं ऐड किया है. तो उन चीजों को बढ़ाने के लिए जो फंक्शनल एबिलिटी है, कॉग्निटिव ट्रेनिंग करती हूँ. तो इन्हीं चीजों की जब असेसमेंट हो गया तो अब हमें फोकस बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है या रीजनिंग एबिलिटी बढ़ानी है, तो इनकी ट्रेनिंग बड़ी स्पेशली लाइक पॉसिबल है उसको करना. वी कैन डू इट, इज अचीवेबल, इज डूएबल. तो एक ये ट्रेनिंग उसमें ब्लेंड किया हुआ है. एक ही असेसमेंट है जिसका खाली आपको रिजल्ट बता रही हूँ कि हाउ इट लुक्स. तो ये सारे जो पैरामीटर हैं, वर्बल मेमोरी, विजुअल मेमोरी, साइकोमोटर स्पीड, रिएक्शन टाइम, कॉम्प्लेक्स अटेंशन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, वाई विद सेम आईक्यू कोई पर्सन इतने स्मार्टली काम कर जाता है, कोई विद सेम आईक्यू उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता. सो वो क्या चीज़ है, मतलब कॉम्प्लेक्स अटेंशन एक बड़ा ही जरूरी काम है, पैरामीटर है. कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों पे इफेक्टिवली ध्यान दे पाएँ और काम कर पाएँ. प्रोसेसिंग स्पीड लाइक कंप्यूटर, अब हम सब जानते हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड डज मैटर, एंड जितने ज़्यादा अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड हमारी होगी उतना क्विक हमारी रिस्पॉन्स होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, और हम चीज़ों को रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे व्हेन इट कम्स टू वर्किंग. एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सिंपल अटेंशन एंड मोटर स्पीड, और इसमें अभी बड़ी लिस्ट और है, चली जा रही है, इमोशनल के भी पॉइंट्स आ गए हैं. तो ये सारी चीज़ों को मैं उसमें ब्लेंड किया हुआ है. एक ये है, शायद आपको स्क्रीन में बहुत छोटा दिखेगा लेकिन इतने सारे पैरामीटर हैं जिन पे काम करने के लिए, रिसर्च में आप देखिए लेफ्ट में, वो सारी एरियाज कॉग्निटिव के डोमेन में हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं जैसा साइकोलॉजिस्ट, मेन फ्रेम, मेन स्ट्रीम साइकोलॉजिस्ट, फिर भी हम इस पे काम कर सकते हैं. अब मैं आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने अभी तक जो भी समझा, जाना, कुछ क्वेश्चन करें तो मैं आगे उस पर डिस्कशन को आगे ले जा पाऊँ. पार्टिसिपेंट, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं. मैडम अभी अब तक उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पर आपसे पूछ रहे हैं.
क्योंकि मैं खाली ऐसे ही बोले जाऊं तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आप लोग कितना उस चीज को पहुंच पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग इंटरेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्रोग्राम, कुछ भी प्रोग्राम आप का को बात पर कुछ बनाने के लिए जरूरी है ना कि आप बात करें। जी जी मैम, डॉक्टर अनुभूति, डॉक्टर धनंजय आप लोग ही बात करें तो स्टूडेंट शायद हो सकता है वो सोच रहे कि मैं पता नहीं क्या पूछ लें, लेकिन मुझे जी जी मुझे मैम काफी खुशी हो रही है। मैं यहाँ जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया 1998 में हम दोनों लोग आए, अनुभूति जी और हम, अक्टूबर में, और हमारे साथ एक और सज्जन यहाँ थे, प्रोफेसर राकेश पांडे जी, जो अभी बीएचयू में है नाउ, मतलब वो है वहाँ प्रोफेसर हुए और अभी उन्होंने डिपार्टमेंट भी हेड किया था, अभी तो वो फॉर्मर हेड है इन बीएचयू, सीनियर है। तो हम लोगों ने, मैंने और राकेश पांडे जी ने, मैडम यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया, जो यहाँ पेपर था साइको डायग्नोस्टिक एंड थेरेपी, जो सक्सेना सर पढ़ाया करते थे। और उसके बाद प्रोफेसर राकेश पांडे जी ने 2004 में वो चले गए बनारस, तो मैं अकेले ही फिर वो पेपर जो साइकोडायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक्स उसको मैं करता रहा। फिर जब सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ हमारे अपने करिकुलम में, देन वी स्टार्टेड काउंसलिंग साइकोलॉजी आल्सो। तो सीबीसीएस सिस्टम अभी हमारे यहाँ अडेप्टेड है, सेमेस्टर सिस्टम सीबीसीएस है, तो उसमें काउंसलिंग और हम लोग साइकोडायग्नोस्टिक्स एंड थेरेप्यूटिक्स दोनों पेपर परसू कर रहे हैं। हम लोगों ने एचआर और ओबी भी इंक्लूड किया है, मैम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एचआरएम भी हम अपने यहाँ कोर्स में करते हैं। तो ये सभी चीजें जो बात हो रही थी मैम, मैं अपने स्टूडेंट से ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जो इंटरवेंशन से जो ये एक्लेक्टिक अप्रोच आप डिस्कस कर रहे थे, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। अगर एचआर में भी अगर वो इंटरवेंशन जैसा आपने कहा मैम, जो ट्रेनिंग में उनके काम आएगा, जो भी ग्रुप थेरेपी या ग्रुप थेरेपी की टेक्निक्स है, और अभी जो ब्लेंडेड टेक्निक्स की बात आप कर रहे हैं, जी, और जो ब्लेंडेड टेक्निक्स की आप बात कर रही थी, जिन जिन का भी, जैसे खासकर मैं न्यूरो फीडबैक जो आप बात कर रही थी, तो दीज आर द न्यू टेंडेंसीज इन थेरेप्यूटिक स्फीयर। आई वांट एंड आई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, जैसे क्राइस्ट है, इन लोगों ने सेंटर स्टैब्लिश करवाया, मैंने उनके पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दिया है, क्योंकि अब वो वहां पे ही काउंसलिंग सेंटर भी चलाना चाह रहे हैं, जहां स्टूडेंट एक्चुअली केसेस देखें। क्योंकि आपने पढ़ तो लिया क्लिनिकल में डिप्रेशन, लेकिन आपने डिप्रेशन का कोई पेशेंट नहीं देखा है, तो आप उसको एक्चुअली नहीं डील कर पाएंगे। तो वो चीजें जब आप अपने खुद देखते हैं कि एक्चुअली आपने, तो ऐसे लगता है कि वो लोग जिनको मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा कोई नहीं होता है, ये हम हैं जिन्हें मेंटल प्रॉब्लम होती है, हम चेयर के टेबल के उधर बैठे होते हैं। तो आपको वो सिम्टम्स पहचानना, देखना, अलग अलग लोगों से डील करना, इट इज मस्ट कि जहां पे आपका लाइक दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग कि आप उनके साथ काम करें। तो अभी यूनिवर्सिटीज बहुत सारा एस्टैब्लिश कर रही है, मैंने अभी पिछले कई सालों में जो हॉस्पिटल्स हैं अलग से साइकोलॉजी के हॉस्पिटल, साइकेटिक हॉस्पिटल्स हैं, और यूनिवर्सिटी लाइक क्राइस्ट के दो सेंटर हैं, बैंगलोर में है, यहाँ पे गाजियाबाद में, मैंने दोनों जगह एस्टैब्लिश किया है सेंटर उनके लिए। हमारे डिपार्टमेंट के साथ से हम लोग एक पीजी डिप्लोमा कोर्स भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इन काउंसलिंग, और एक काउंसलिंग सेंटर भी हम लोग डेवलप करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली वो लगभग फंक्शनल होने वाला है हमारे यहाँ, जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरीली है, और अगर वो ठीक से चला मैम तो उसको हम लोग, मतलब कुछ ही महीनों बाद ये शुरू हो जाएगा, तो अगर ठीक से रन हुआ तो हम लोग दूसरे लोगों को भी अलाउ करेंगे, दे विल कम एंड दे विल बेनिफिटेड फ्रॉम आवर। तो अगर मेरे लायक कुछ होगा तो आप जरूर बताएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी एसोसिएट होके आप लोगों के साथ, कैसे भी हम लोगों को खुशी हो रही है मैम, हम लोगों को खुशी हो रही है इतने दिनों बाद आप लोगों को, आपको हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे डायरेक्टली। हाँ, क्योंकि मुझसे दूर रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं बहुत सबको परेशान करके रखती थी वहां पे, जो लोग मुझे जानते हैं आप उनसे मेरी थोड़ी हिस्ट्री ले लीजिएगा, आई वाज अ नोटोरियस स्टूडेंट, तो फिर तो कुछ दूर तो मुझसे दूर छुटकारा पाते हम लोग बिल्कुल। नहीं, मैं छुटकारा नहीं पाते थे, मैं एक्चुअली हम लोग इसको यूट्यूब पे लाइव। हेलो हो गया, क्या हो गया, हेलो
वॉइस थोड़ी अनक्लियर। मैम एक बार और बोल दीजिए आप, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी हेलो। हाँ जी मैम, जी मैम। हाँ वो अभी बोल रहे थे, डॉक्टर अनुभूति कुछ कह रही थी, फिर मालूम नहीं पड़ा क्या था। मैम अभी वो जस्ट ब्रेक हो गया थोड़ा सा, उसके बाद इंटरप्टेड। हाँ हाँ ओके ओके। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी मैम, अब मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ हाँ जी जी। तो मैं ये कह रही थी, हम लोग अपने यहाँ से मैम बिल्कुल आपकी जितनी भी एक्सपर्टीज है, और अभी तक तो मैंने आपके बारे में बस मतलब सुना था और हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातचीत की थी, बट एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग और किस तरीके से आप साइकोलॉजिकल नॉलेज को एप्लीकेशन उसका किस तरीके से आपने किया है मैम, बिल्कुल हम लोग डिपार्टमेंट में आपके, आप तो आप ही का डिपार्टमेंट है, नाउ यू हैव टू एस्टैब्लिश दिस सेंटर इन द डिपार्टमेंट। और हम ऐसे बेचारे जैसे रहते हैं तो हमें, मुझे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, मतलब दया नहीं आती, मुझे गुस्सा आती है, ऑनेस्टली उल्टा होता है कि ऐसे हम क्यों बैठे हैं असहाय से, जिसको देखो वही, मतलब आप कभी वेलबींग के एग्जीबिशन अटेंड करें और आप देखें उसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में, वो भी वो जो आश्रम की माताएं होंगी ना, वो रूप बना के बैठे होंगे लोगों को समझाने के लिए, बट इट मींस दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट। यस, हम ऑलमोस्ट वी आर पैरेलल टू मेडिकल सब्जेक्ट्स एक्चुअली, और हम क्यों इस तरह के मतलब पीछे 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 घूम रहे हैं, आई डोंट नो। फंडिंग की क्या बात है, फंड तो हम खुद जनरेट कर सकते हैं, इतने प्रोग्राम है आप करें तो। रेलवे के पूरे पायलट हमने किया 200 लोगों का, जिसमें कि उनके लोगों को मतलब एबिलिटी बढ़ानी थी, एंड यू विल नॉट बिलीव कि जो उनके अपने जो सिमुलेटर होते हैं उनपे जिस पर्सन की वैल्यू 55 आई थी, आफ्टर 5 सेशन ही रीच टू 84। तो एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी के बाद क्या आया, उन्होंने कहा मैम आपका ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि आप इसे यूएस कनाडा में जहां चाहे अप्लाई कर दें, एक महीने में अप्लाई हो जाएगा, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में ये कम से कम 3 साल लपेगा। रियली ये इश्यूज नहीं है, ये स्टुपिडिटी, हमें इनको कॉन्कर करना है, इश्यूज क्या है इसमें, ऑनेस्टली क्या इसमें मतलब इश्यू क्या है, हम खुद बना के बैठे हम उठ नहीं पा रहे, इससे बढ़ के साइकोलॉजिकल इलनेस क्या होगी, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर एनर्जी है और आप उठ नहीं पा रहे, ये तो साइकोलॉजिकल इलनेस है ना, यही इलनेस है, हाथ नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं उठ रहा, क्योंकि हमें शॉक लगा हुआ है, हाथ तो पूरा उठ रहा है लेकिन हम नहीं उठा रहे, तो यही तो यही इनर्सिया तो हमारी बीमारी है, तो डिपार्टमेंट को ये बोलना अलाउड नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, बाहर के लोगों को बोलने दीजिए, अगर ये मेरा डिपार्टमेंट है तो मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ बोलना। नहीं नहीं, आप ही का डिपार्टमेंट है मैम, हम आपको ये बोलना अलाउड नहीं है आज से डिपार्टमेंट में। वी कैन मेक चेंज, अ लॉट ऑफ चेंज वी कैन मेक, बिल्कुल बस हमें अपनी बात कहने आनी चाहिए। यस यस यस, हम लोग आपका इतना इनग्रॉसिंग चीजें हैं और एप्लीकेशन पार्ट पर आपने मैम इतना, मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे बच्चे जो जिनको ये समझ आता है कि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ के क्या करें, तो उनको एक ही एक तरीके से काउंसलिंग और इस एस्पेक्ट पे तो आप बात कर ही रहे साथ साथ में, कि किस तरीके से हम अपने लिए एक मतलब कैन बी अ चेंज एजेंट एज वेल एज हाउ कैन वी अप्लाई साइकोलॉजी और हमारे करियर एवेन्यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं। हाँ, आप उन्हें पूछे साइकोलॉजी पढ़ के आप क्या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन दो। हाँ, वेर यू कैन नॉट अप्लाई, हर जगह तो हमारी जरूरत है, बिल्कुल यहाँ से लेके हर जगह, मतलब मैं न्यूरो फीडबैक की ट्रेनिंग के लिए यूएस गई थी, तो वहां पे कुछ लोग थे जो इंडियन ओरिजिन के थे लेकिन वहीं पे थे, वो भी अटेंड कर रही थी, एक बसंती करके नाम था लेडी, वो रेस्पिरेटर थी बट सी वॉज डूइंग न्यूरो फीडबैक का ट्रेनिंग,
तो वो कह रही है कि कनक आप इंडिया छोड़ के यहाँ क्यों नहीं रुक जाते, मैं अपना ग्रुप बनाती हूँ, उनकी ट्रेनिंग करेंगे। लाइक वहां भी लैकिंग है सच में। तो हम ऐसे क्यों बैठे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में, जब आते हैं तो बड़े इंटरेस्ट साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा वाला सा टूल है हमारे पास, हम बहुत सारा काम करेंगे, और धीरे धीरे कि जैसे लगता है ससुराल में आ गए, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये क्या बात बनी। मतलब ऐसी कौन सी शादी करके हम बैठ जाते हैं कि सारी चीज हमारी पास्ट में अच्छी होती है, अब नहीं हो पाती। वी नीड टू ब्रेक इट। आपके बहुत सारे सेशंस की जरूरत है टू ब्रेक दिस इनर्शिया विद इन अस। डांट पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा मैम, चलेगा। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, ये तो हमारे मैम लोगों की क्लास हो गई। सबसे पहले तो आप इंटरेंस को वर्बल बनाएं, उन्हें पूछना बहुत जरूरी है। मतलब स्पोर्ट्स का प्रोग्राम अभी मैं ले रही थी लास्ट टू लास्ट वीक, 8-8, 9-9 साल के बच्चे थे आर्चरी के, आप मानोगे नहीं क्वेश्चन भर दिए उन्होंने मेरे ऊपर, अपनी जो भी टूटी फूटी लैंग्वेज में बोल पा रहे थे, जितने भी, कई सारे बच्चे ट्राइबल एरिया के थे, अलग अलग लैंग्वेज के थे, लेकिन वो मैम हमको अगर डर लगे तो क्या करें, इतने में ही पूछ लिया, लेकिन उन्होंने पूछा। देयर हैज टू बी अवेयरनेस। I just ask my students, all the participants, कि आपके साथ जो स्पीकर हैं वो इतने enthusiastic हैं और उनके वो सारे आपके questions को answer करने के लिए तैयार हैं, तो don't think about कि that question is small or big, you just ask. Question जितना small और stupid होगा उतने ही बढ़िया answer आएगा, क्योंकि इसका मतलब वो basic question है जो हम नहीं सोच पाए, हमें questions वही चाहिए। तो ये बिल्कुल फ्री रहें और पूछें। तब तक मैं ये लिस्ट पूरी कर देती हूँ कि हमने जो मेडिकल एरिया है फिजिकल की, उस पर कहाँ कहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है। सो हाइपरटेंशन एक बहुत ही क्रॉनिक, एक बड़ी वास्ट फैली हुई बीमारी है, हाइपरवेंटिलेशन, सांस फूलना और जल्दी जल्दी सांसें लेना, कॉन्स्टिपेशन, अगेन वेरी स्प्रेड ओवर, क्रॉनिक पेन एक अपने आप की कंडीशन है, हम उसको एज से जोड़ देते हैं, लेकिन अब इसकी रेंज ये हो गई कि 30-35 के बाद ही इंसान इसमें पहुंच जाता है। नॉन कार्डिक चेस्ट पेन, दर्द होता रहता है लेकिन कोई फिजिकल रीजन नहीं निकलता है। इन जनरल पेन मैनेजमेंट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की ट्रेनिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम किसी भी तरह की होती है तो, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, डायबिटीज, डायबिटीज में नॉट ओनली शुगर कंट्रोल, द न्यूरोपैथी जो शुरू हो जाती है, लाइक पैर तक ब्लड नहीं पहुंच रहा तो पैर की प्रॉब्लम हो गई, ब्लिस्टर आ गई, ये सारी न्यूरोपैथी में, ईटिंग डिसऑर्डर, बुलिमिया एनोरेक्सिया दोनों का, फाइब्रोमाइल्जिया, हेडेक एंड माइग्रेन, हॉट फ्लैशेज, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन प्रॉब्लम, इंसोमनिया, मेनोपॉजल सिम्टम्स, रेस्टलेस लेग, पैर खाली रेस्टलेस रहेंगे, दर्द होता रहता है, बैक पेन, लो बैक पेन एंड पॉस्चर रिलेटेड जो दर्द है, कहीं भी कंधे में है, बैक एक में है, एब्सेंस सीजर्स लाइक एपिलेप्सी बट कभी भी आ जाती है, कभी भी हो जाती है, एडिक्शंस एंड अल्कोहलिज्म, ड्रग, कैनेडा में ये बहुत केसेस है मेरे पास, डिप्रेशन, फैशनेबल बीमारी है लेकिन दवा पर टिक जाती है तो फिर जिंदगी भर के लिए साथ नहीं छोड़ती, एंग्जाइटी इन जनरल एंड स्पेसिफिक एनोरेक्सिया तो ईटिंग में आ गया, बाइपोलर डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वेयर पर्सन इज नॉट मेच्योर्ड इनफ टू डील विद लाइफ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्ट्रोक रिकवरी, ब्रेन इंजरी जहाँ पे रिहैब में जाएंगे, ऑब्सेसिव बिहेवियर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, अगर चाहिए तो किसी को आप बता दें, आपका ईमेल दे दें, मैं पूरी ए जो बुक है, बुक मतलब एक पब्लिकेशन है जिसमें इसकी एफिकेसी पे स्टडी है, आई कैन शेयर दैट डॉक्यूमेंट कि कितनी चीज़ों पे ये काम आता है और कहाँ क्या लेवल पे इसका सक्सेस रेट है। पोस्ट कंकशन जी मैम, आपको मैं ईमेल अपना दे दूंगी और यू शेयर द बुक एंड आई विल शेयर इट इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। हाँ, अगर स्टूडेंट को अगर ईगरली मांगेंगे तो, नहीं तो मत देना, नहीं तो रख लेंगे प्रिंट करके बस, ये तो स्टूडेंट को पूछ ही नहीं रहे तो क्या फायदा है इन्फॉर्मेशन देने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आधे सो भी सकते होंगे, हम तो देख नहीं रहे ना, डिमेंशिया, पार्किंसंस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, ये सब चीजें कुछ साइकोसोमेटिक हैं,
कुछ प्योर साइकोलॉजिकल हैं और 90% ऑफ देम आर प्योर सोमेटिक बॉडीली, बट फिर भी इन पे बहुत काम आता है. अस्थमा, वटाइगो, फिकल एलिमिनेशन डिसऑर्डर, रेनॉय सिंड्रोम हार्ट से रिलेटेड है, यूरिनरी एलिमिनेशन डिसऑर्डर, लीक की जो प्रॉब्लम बहुत सारे एज के, एक एज के बाद बहुत सारे मैन वुमेन दोनों में शुरू हो जाती है, फैंटम लिम पेन, पता नहीं आप स्टूडेंट नहीं जानते हैं, जानते हैं जैसे किसी का हाथ या कोई पार्ट एम्प्यूट करना पड़ गया, काट देना पड़ा, फिर भी जो ब्रेन में उसका सेंटर है वहां से लगातार पेन का सिग्नल आता रहता है कि वो मतलब हाथ नहीं है लेकिन हाथ में दर्द हो रहा है. सो दैट टाइप ऑफ थिंग. एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन, कॉग्निटिव डिसफंक्शन स्कूल और बच्चों के लिए, जहाँ पे मतलब अगर आप अपने यहाँ स्पेशलाइज भी चलाना चाहें कि ये साइकोलॉजिस्ट खाली स्कूल में काम करेंगे, तो उनके लिए भी बहुत सारी एरिया हैं, स्पगरस सिंड्रोम, ADHD, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिफिसिट, अटैचमेंट डिसऑर्डर, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, डिसलिक्सिया, तो ये सारे चीज़ें हमारे डोमेन में हैं, अभी साइकोलॉजिस्ट के डोमेन में है. एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, फियर कंडीशनिंग, इनअटेंशन, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्टटरिंग, तोतला बोलना या हकलाना, स्टैमरिंग भी, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम, टिनिटस बजिंग इन द ईयर, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिफिसिट, सोच नहीं आती, अच्छा प्लान नहीं कर पाते. कॉरपोरेट के लिए पीक परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, इमोशनल हेल्थ, लीडरशिप डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, परफेक्शनिस्ट बिहेवियर एंड मेमोरी फंक्शन, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एंड ऑप्टिमम मेंटल फिटनेस. तो अब क्वेश्चन आंसर मैंने बीच में डाल दिया था, आप अभी दोबारा भी पूछ सकते हैं और आप अपना ईमेल दे दें, मैं अपना ईमेल, आप मेरा तो आप लोगों के पास है ग्रुप में. हेलो हेलो, हाँ आपका ईमेल है, मैं देख लूंगी, अगर नहीं दिखेगा मुझे तो वैसे है ग्रुप में. तो मैं अभी यहीं पे एक मिनट इस पे यहीं लिख देती हूँ ईमेल आईडी एंड नंबर. ये मेरा इंडिया का नंबर है, कनाडा का नंबर. ये मेरा वहां का नंबर है, दोनों व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों है. ये आप ले लें सभी पूरा और इसको फ्रॉम करें ये. जो भी चाहे इसे लिख ले, मेरा वो इंडिया का नंबर फर्स्ट वाला है, कनाडा का नंबर सेकंड वाला है, एंड देन ईमेल. हेलो, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. वन फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम दैट इज सीन विद द काउंसलर्स इज इफ एनी चाइल्ड इज हैविंग प्रॉब्लम, सपोज ADHD का अगर कोई केस आया है, तो मैम पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि उनके बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है, और वो इतने फर्म डिनायल उसमें रहते हैं कि इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू हेल्प द चाइल्ड. So, being a counselor, how should we handle such situation, especially the denial phase of the parents? दो रास्ते हैं. अगर आपका पेरेंट्स के साथ में अच्छा रैपर है तो आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, और नहीं है तो आप उसे उतना स्ट्रांगली ये कहें ही नहीं कि क्या कंडीशन है, आप उसे बिट्स एंड पीसेज में तोड़ दें कि भाई इससे हम ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे. जब आप उसको बड़ा इम्पॉसिबल वाला या बड़ा बहुत बड़ा वाली बीमारी का नाम देते हैं कि भाई ADHD है, ADHD मींस व्हाट, अब उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ ADHD पे, एक्चुअली उन्हें वो पता है, वो कहीं ना कहीं से गूगल करके ही साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आए हैं, दे हैव नॉट कम अनप्रिपेयर्ड. अब वो अपने मन के डर को आपसे शेयर कर रहे हैं. अगर आप उसे ट्रीटेबल ट्रेनेबल बताते हैं तब तो वो एक्सेप्ट करते हैं. अगर आप एक लेबल लगाते हैं तो कोई भी, अगर हम एज पेरेंट जाते हैं तो हम भी कहाँ मानेंगे, हम डिनाइल में ही तो रहेंगे, कोविड के साथ हम वही तो कर रहे हैं, डिनाइल में ही जाएंगे हम. तो हमें ये इस चीज को चैलेंज नहीं लेना चाहिए कि हमें उन्हें मनवाना है, हमें उन्हें, हमारा चैलेंज ये है कि हम उस चीज पे उन्हें कन्विंस रखें अपनी एफिशिएंसी से कि हम इस पे काम कर सकते हैं. So be more focused on the result.
अटेंशन की प्रॉब्लम है, एडीएसडी तो नहीं है, देखते हैं, हो सकता है एडीएसडी ना हो। भाई आपको यही तो सुनना है कि एडीएसडी है या नहीं, या आपने लेबल करना ज्यादा जरूरी है। ये सब तो हमने बनाए हुए अपने नेट बनाए ना। मैं सबसे कहती हूँ कि मकड़ी जाले में रहती है, ठीक है, लेकिन जाला बनाता कौन है? मकड़ी खुद ही बना के रहती है। तो ये जाले हमने ही बनाए हुए हैं, हमें किसी को ये कन्विंस करने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली कि ये बड़ा ही लाइलाज बीमारी जो तुम्हारे बच्चे को लग गई है। आप बता सकते हैं कि अटेंशन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक होती है, टाइम लगता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा और हमें साथ में ट्राई करना होगा। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। एडीएडी है, एडीडी है, एडीएसडी है या नहीं है, दैट टाइम विल शो, और इफेक्टिवली आप उस पर काम कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये सारे स्किल सेट हैं जो काउंसलिंग के, अदर देन काउंसलिंग, ये सारी स्किल सेट एज अ थेरेपिस्ट वी नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल क्लाइंट डिफरेंट टाइप, वो बहुत जरूरी है। वो काउंसलिंग, खाली काउंसलिंग से हम वो नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स अ बिजनेस मैनेजमेंट एज वेल एज अ वर्क मैनेजमेंट एज वेल। यस मैम। सो मैम, एडिंग टू दिस, कुड यू प्लीज लेट अस नो हाउ अ काउंसलर शुड बी, मतलब हाउ कैन वी इक्विप आवरसेल्फ विद सच, क्योंकि अगर मैं गोरखपुर की ही बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। जैसे अगर बीइंग अ काउंसलर व्हेन आई प्रैक्टिस, देर आर सम पेरेंट्स और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एज देख के या इस चीजों से जज करने लगते हैं, अरे ये तो हमसे छोटे हैं, हाउ शी विल बी एबल टू हैंडल सच थिंग्स। एंड देन सडनली बारे में पेरेंट्स को छोड़ दें, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं एज अ ट्रेनी और एफिशिएंट प्रोफेशनल काउंसलर? Ma'am, as a professional counselor. Honestly? Yes, ma'am. तो फिर आप उनकी एज देख के डरते क्यों हैं? Ma'am, कभी जब attitude में change आ जाता है तो, because it's very recent that I have started practicing, तो कभी अपने confidence से ही आप उन तक पहुंच पाएंगे। जब आप अभी खुद इतने श्योर नहीं होंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे उनके सोच से, उनके उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मेरे प्रैक्टिस में बात करें तो मैं किसी के पेरेंट को अपने केबिन में अलाउ ही नहीं करती हूँ। आई रियली डिक्टेट कि आप इस काउंसलिंग सेशन के लिए एंटीडोट हैं, आप बाहर बैठे, उसके बाद वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस विल डिस्कस, बट नॉट हियर। मुझे आपकी एंग्जाइटी पे काम नहीं करना है, या आप पहले अपनी एंग्जाइटी ट्रीट कर लें या बच्चे को कर लें। तो ये जब आप अपने में, अपने प्रोफेशन में कॉन्फिडेंस ला पाते हैं, दिल में ये नहीं कि हम इसमें करी एडीएसडी हो गया तो हम करी क्या पाएंगे, तो अगर ये है तो फिर आपकी एज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनफिशियंसी बड़ी जल्दी मालूम पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा जो जनरल प्रैक्टिस है, एक सिंगर भी घंटों रियाज करता है, आप भी करें, मॉक सेशंस करें, अपने आपस में स्टूडेंट को काउंसलिंग करें, और लेट देम पोज चैलेंजेस टू यू, लेट देम डिनाई योर, कि आप जिससे नए नए स्किल सेट सीखें। मैंने कहा ना, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया आई वाज फीलिंग सो लिमिटेड कि अब इसके बाद क्या करूं, मुझे नहीं आता, ऑनेस्टली नहीं आता, क्योंकि साइकोलॉजी में मैंने नहीं सीखा है, काउंसलिंग सीखे, सब कुछ किया, लेकिन बेसिक के बाद नहीं आता मुझे। तो नॉर्मली जहां पर मुझे सिर्फ ये हो, हम कह रहे हैं तुम मानो, ये तो काउंसलिंग नहीं है। हमारा काम है कि हम उनके जो अंदर का अप्रिहेंशन है उसको कन्विंस करें, जो वो कह रहे हैं वो भी नहीं। और एज वाला स्टिग्मा धीरे धीरे सभी एरिया से अब जा रहा है, न्यू सोशल मीडिया के उसमें जब टाइम आया है, नाउ एज इज नॉट दैट मटेरियल, अभी नहीं है। गोरखपुर में थोड़ा सा हो सकता होगा, लेकिन हम उस पर धीरे धीरे एजुकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हैं और आप सक्सेस रेट अच्छा है, तो ये बहुत छोटे छोटे बैरियर हैं। आप अपने आप ये काम करें, देखें कि हम खुद किसी से कम कन्विंस हैं कि हमारी क्या क्या वीकनेसेस हैं, एंड चैलेंज देम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप किसी भी एज के हो, बहुत सारा मैम, जितनी भी एज है आपकी, आप सोशल मीडिया पे लिखें, आप एक्सपर्ट माने जाएंगे, आप लेक्चर लें, आप लोगों को एजुकेट करें, आप सेमिनार्स करें, और किसी भी एज के होंगे, पीपल विल टेक यू एज एक्सपर्ट।
हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. प्रणाम मैम. मैम मैं एमए की स्टूडेंट हूँ. तो मैम हम लोग ही हैं जो अभी साइकोलॉजी के आर्मी होने वाले हैं. और अभी होने गए मैम, ऐसा लगता है कि काउंसलर बनने के लिए अभी हम लोग नहीं है ऐसा ही, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा जरूरत है खुद हम लोग को काउंसलिंग की, क्योंकि जैसी पेरेंटिंग है मैम हम लोग की. मैं 100% एग्री कर रही हूँ, डोंट हैव टू कन्विंस, 100% एग्री कर रही हूँ. मैम आपने शुरू में ही कहा कि लोगों की सफरिंग, लोगों की वेल बीइंग हम लोग ही देखेंगे, क्योंकि हाँ हम लोग हैं 1000 में एक के बराबर, मतलब हम लोग हैं जो कर सकते हैं ये. बहुत सही मैम. लेकिन जैसे कि हम लोग जहाँ पे हैं, और मैं तो लड़की हूँ, मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि जैसे कि यहाँ चुनाव हो रहा था तो लोग आए यहाँ पे और कुछ लोग मास्क नहीं पहने थे. तो मैम मैंने बोला और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, तो पेरेंट्स खुद डांटने लगे कि लड़की हो दूसरों के सामने नहीं बोलना है. तो मैम कैसे फिर ये चीजें मतलब आ जाती हैं मैम अंदर आ जाती और नहीं हो पाता है फिर. लेकिन अब यहाँ पे हमारे यहाँ एक रोल और होता है, हमें अपने पे सबसे पहले काम करना पड़ता है, क्योंकि जो हम बना के सोसाइटी में छोड़े जाते हैं, वी आर नॉट इक्विप्ड टू डील विद मॉडर्न सोसाइटी. वी आर नॉट इक्विप्ड ऑन एनी फ्रंट. हमारा ड्रेसिंग सेंस ले लो, हमारी बातचीत ले लो, हमारे प्रोग्रेसिव थॉट ले लो, वी आर नॉट इक्विप्ड बिकॉज पेरेंट्स ट्राई टू क्रिएट अस एज अ क्लोन. सो इफ दे आर प्रोग्रेसिव, दे विल क्रिएट प्रोग्रेसिव क्लोन. अगर नहीं तो वो अपनी थॉट देते हैं. वो गलत नहीं है, लेकिन वो आज की दुनिया को डील करने के लिए इक्विप नहीं है. पुराने अपने उनके टाइम पे करने के लिए था, लेकिन वो अब 30 years ओल्ड हो चुका. तो अब इसके बाद सबसे पहले मेरे ख्याल में ये बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है जो साइकोलॉजी में आना चाहिए, नॉट ओनली फॉर साइकोलॉजी, टू ट्रेन दिस टू एंटायर यूनिवर्सिटी, कि लोग अपने आप को हाउ टू मेक योरसेल्फ रेडी टू लॉन्च इन द सोसाइटी वट एवर एरिया यू वॉन्ट टू डू. ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग विद दैट. जब बड़े शहर में आ गए, अब 2-3-4 साल निकाल देंगे वो छोटे सिटी का सिंड्रोम निकालने में, तब तक लोग आगे बढ़ जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन सेटल होने लगता है. सो वही चीजें हैं कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी की एक इमेज बनानी पड़ेगी कि नाउ ठीक है, अभी तक मैं मम्मी पापा की बेटी हूँ, नाउ आई एम लॉन्चिंग टू सोसाइटी, बी इट करियर, बी इट एनी अदर एरियाज, अब मुझे अपने आप को क्या देखना है, हु एम आई, और वो क्या कैपेसिटीज है, वो क्या स्किल सेट है. विदाउट बींग रूड एंड अरोगेंट टू पीपल, हम अपने आप में क्या क्या चीजों को लेके आए, और अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करें तो आप शार्प से शार्प इक्विपमेंट भी एंड वेपन भी प्रेजेंट कर सकते हैं. इसलिए आपको क्या करना है उसमें मैटर नहीं है, कैसे करना इस पर ध्यान देके आप कोई भी स्किल सेट गेन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस हो या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो. आप लोग ग्रुप बना ले, मैं इस पे काम कर सकती हूँ आप लोगों के साथ. सबसे अच्छी बात है आजकल जूम पे काम करना, आई एम वेरी हैप्पी. यस मैम, तो आप लोग ग्रुप बना ले, जिसको लग रहा है अपने आप पे काम करना, लेट्स गेट टुगेदर. थैंक यू मैम, आई विल श्योर मैम एंड लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर आवर स्टूडेंट्स फॉर देयर ग्रूमिंग एंड हाँ, क्योंकि उनको सबको अपने अपने, जैसे आप अभी आर्मी में जाएं तो आपकी कई साल पहले ट्रेनिंग होगी टू बिकम आर्मी पर्सन. साइकोलॉजी में भी यही है. बिल्कुल मैम. और कोई क्वेश्चन है? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन लोगों ने ये पूछा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अंदर स्ट्रगल रखना बेकार है मैम. Huh? Ma'am, can we get the chance to learn these blended techniques from you? Say NLP or biofeedback, or जो आपने blended techniques बताई, they are really new और हम लोग को बहुत अच्छा लगा, and we want to learn it from you. So बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हम जो लोग भी यहाँ पे decision लेते हैं, बात करते हैं, I'll initiate a talk and we'll make sure कि ऐसा कुछ हो, आप लोगों को मिल जाए पक्का. और नहीं तो personal level पे तो आप कभी भी contact कर सकते हैं. अगर बनेगा तो फिर वो यूनिवर्सिटी के सामने एक दुकान लगानी पड़ेगी. चिंता मत करें, छोड़ूंगी तो नहीं.
मैम विश्वविद्यालय के सामने ही आप अपने डिपार्टमेंट में ही आइए. नहीं अगर नहीं मानेंगे तो फिर सामने लगाना पड़ेगा. नहीं नहीं मैम जब तक हम लोग हैं तो क्यों नहीं मानेंगे, हम ही लोगों को करना है. तो क्योंकि ये सब तो बहुत जरूरी है ना. बहुत जरूरी है मैम, बहुत जरूरी है. और कॉन्फिडेंस के साथ में आप साइकोलॉजिस्ट भेज देते हैं, बेचारे इंटरव्यू भी नहीं दे पाते और कहने को वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो दूसरों के कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं. हाउ इज दैट नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट गुड. हम लोग थ्योरेटिकल बस बना के भेज देते हैं. एक्चुअली मैम खुद को जो अनपॉलिश्ड रॉ है उसको भी पॉलिश करके शेप करने की जरूरत है. बहुत जरूरी है. साइकोलॉजी तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है नहीं. पांच साल या चार साल साइकोलॉजी पढ़ने के बाद से फिर एक वो पॉलिश की बहुत जरूरत है. बहुत जरूरी है ताकि पहली बात तो प्रैक्टिकल आ जाए, दूसरे स्किल सेट आ जाए. एक्चुअली कोई स्किल सेट नहीं होते ना, नॉलेज होती है, लर्निंग ऐसे होती है, बट वो लर्निंग कैसे कराई जाए ये तो हमें नहीं पता होता ना. एक्चुअली तो वो बहुत जरूरी है कि हम स्टूडेंट तैयार करें. और साइकोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड है, बहुत जो है वो तो बिल्कुल ही ऐसे ही है दिल्ली में भी. कोर्स करिकुलम तो सब जगह पे एक ही जैसा है. जहाँ पर जो एक्चुअली मैम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग टू मेक देयर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट. दो ग्लोबल ग्लोबल क्लाइंट तैयार करने होते हैं ना, वो क्लाइंट ग्लोबल स्टूडेंट तैयार करते हैं. ये बच्चे वहाँ जाके बहुत अच्छा करते हैं. तो और पहली बात तो थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, बड़ी सिटीज में हैं, दूसरे पहले से प्रोग्रेसिव हैं तो उन्हें मौका ज्यादा मिल जाता है. और हम थोड़ा पता नहीं क्या ध्यान नहीं देते, क्यों नहीं देते, मतलब हम क्लासिकल मॉडल क्यों निकाल मालूम नहीं, बट वी नीड टू डू, यू नीड टू चैलेंज. यस 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 मैम. एनीबडी एल्स, किसी को कोई और क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हो या कोई अपने मन में कुछ भी आ रहा हो तो यू कैन आस्क. डिस्कस करें मैम, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बस यही कहना चाहते हैं कि कनक मैम से हमेशा मुलाकात हो ये आशा है. आप लोग यूनिवर्सिटी में ही तो होंगे ना. यस मैम. तो मुलाकात हो जाएगी मैम, आप जब बुलाएंगे हम लोग चले आएंगे. बस आप एक बार इंडिया आइए, आपसे बस फेस. मैं अभी इंडिया में हूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ मैम. तो प्लीज आप यूनिवर्सिटी आइए, हम सब मिलना चाहते हैं आपसे. बात करके आपको सुन के बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस मोटिवेशन मिला है. तो मैं आऊंगी, मुझे बड़ी खुशी होगी. आप लोग बच्चे जैसे ही हो मिले तो बहुत बहुत. तो और आएंगे भी और साथ में काम करेंगे और कुछ रेडी है आपके साथ काम करने. साल में हम ये रिजल्ट देखेंगे. हाँ क्रिएट करती हूँ मैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, बाकी चीजें इस तरह क्रिएट करती हूँ जहाँ पे काम करना पड़े, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है स्टूडेंट की, बहुत ज्यादा जरूरी है. यस मैम, हम लोग चाहेंगे बिल्कुल कि हमारे विद्यार्थियों के लिए मैम कुछ इस तरीके का इंटर्नशिप का एक्चुअली, सो वी कैन साइन एन एमओयू विद यू एंड हम कर सकते हैं. लेकिन पहले आप लोग एक गोरखपुर के अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव बनाए कि आपको कहाँ पहुँचना है. वो बहुत मस्त है कि आप एक विजन बनाए जिसके लिए हम सारे ट्राई करें स्टूडेंट को लेके. लेट्स मेक इट अ फोर्स एंड मिशन, कुछ करना से बाहर निकले, अब हमें यही करना है बस, तो हम बहुत आगे कर पाएंगे. आप मानोगे नहीं, 87 में जब मैंने दोबारा से, मतलब एक बार तो 84 में किया, फिर प्रैक्टिस बंद करनी पड़ी, जब दोबारा शुरू किया तो उन लोगों ने मुझे औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चर को बुलाया और मैंने जाके अपना जो भी सब्जेक्ट था, तब तो मैं भी नई नई थी, स्टूडेंट से ही थोड़ा निकली थी, थोड़ी बड़ी स्टूडेंट थी. जब मैंने वहाँ पे उनको सब समझाया बताया तो वो कह रहे हैं कि मुझे, हम ऐसा कभी समझ नहीं पाए कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी इतनी आगे है. अभी आप क्या समझो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी तो बहुत आगे, ये सारा वहाँ होता. मैंने और नहीं तो कहाँ होता ना, कहाँ से पढ़ के निकली हूँ. तो मैंने मतलब ब्लफ नहीं किया था, एक्चुअली आई वॉज फीलिंग दैट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. बेसिक हमारे पास सब कुछ सही है, बहुत अच्छा है, और मैं उसी कॉन्फिडेंस से वहां बोल के आ गई थी. सो इफ अगर किसी को कुछ और नहीं पूछना है तो हम लोग मैम बहुत देर से बोल रही हैं और हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे. बट मैम एक्चुअली आप से वी कैन कीप टॉकिंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आप इतना अच्छे से, आपसे बात करना, आपको देखना, आपको सुनना, वही हम सबके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है.
और बहुत अच्छा लग रहा है। एक कोई जानवी मिश्रा है वो हाथ वो करें, कुछ पूछना है तो आप पूछ लें एक बार, देन वी कैन एंड इट। हां हां पूछिए। जा नो शी इज आस्किंग, वो करें रेज हैंड, गलती से हो गया या कुछ पूछना चाह रही, आप देख लें कोई। जानवी, जानवी आप मुझे सुन पा रही? किसी ने हैंड रेज किया, अगर आपको कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो हाँ, नहीं तो विल जस्ट से बाय बाय। ओके डॉक्टर इतने नहीं अब कोई है नहीं मुझे लगा। हाँ ठीक है, गलती से हो गया होगा। तो मैं अपने विभाग की ओर से, विभागाध्यक्ष होने के नाते और विश्वविद्यालय की ओर से मैम आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे इस इनविटेशन को स्वीकार किया और इतना इतने ओपनली और बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और अपने एक्सपीरियंस से ब्लेंडेड इस टेक्निक के बारे में हमारे हम लोगों को सबको हमारा ज्ञानवर्धन किया। हम सब लोग बहुत आभारी हैं मैम और हम आशा करते हैं कि हम लोग इसी तरीके से विल बी कीप इन टच विद और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और हम लोग इस तरीके के और सेशंस प्लान करेंगे कि किस तरीके से हमारे हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो कुछ भी कर सकते हैं टू फॉर देयर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एंड मोरल एंड मोटिवेशन। एंड आपके पूरे लेक्चर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये कि साइकोलॉजी के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हैं, जो कि हम लोग जनरली बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक वो ब्लैंक हो जाते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास जो हमारे आर्सेनल में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, तो कैसे करें अब ये उस पर ही बात करनी है। तो आपने उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों को का ज्ञानवर्धन किया और ये बहुत इंटरैक्टिव और बहुत मतलब पिछले डेढ़ दो घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए समय दिया और हम लोग आगे भी ऐसे ही सेशंस प्लान करते रहेंगे और आपसे ऑफलाइन भी देखते हैं जब भी होगा तो ऑफलाइन भी आपसे आपको एक बार यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय, थैंक यू मैम।